बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कतादा ने कहा, हमें हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हदीस सुनाई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब वो पालान पर आपके पीछे सवार थे फरमाया, ए माआज़। उन्होंने अर्ज़ की, मैं बार बार हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल, मेरे नसीब रोशन हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए माआज़। उन्होंने अर्ज़ की, मैं बार बार हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल, जहे नसीब। फिर आपने फरमाया, ए माआज़। उन्होंने अर्ज़ की, मैं हर बार हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल, मेरी खुशबख्ती। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा ऐसा नहीं जो सच्चे दिल से शहादत दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, मगर अल्लाह ऐसे शख्स को दोज़ख पर हराम कर देता है। हज़रत माआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं लोगों को इसकी खबर ना कर दूँ ताकि वो सब खुश हो जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो इसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे। चुनांचे हज़रत माआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुतमान इल्म के गुनाह के खौफ से अपनी मौत के वक्त ये बात बताई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान और हदीस को सुनने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।